हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों का फिर से SITI टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किस विकल्प का प्रयोग फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव में विस्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करना। जैसे डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करके फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव विस्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का क्या अर्थ है। इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म होगा सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL सर्टिफिकेट के दो तरह का के इस्तेमाल करता है। एक प्राइवेट के SSL, एक इनकैप्शन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर होगा डी, सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, MS ऑफिस MS Office 2007 में एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। इसका आंसर होगा .xlsx। .1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए कौन सी प्रथम कंप्यूटर की भाषा विकसित की गई थी। इसका आंसर होगा शॉर्ट कोड। 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए शॉर्ट कोड प्रथम कंप्यूटर की भाषा विकसित की गई थी। ENISE एक शॉर्ट कोड है। शॉर्ट कोड एक प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक टूल प्रोग्राम कौन सा है। इसका आंसर होगा आर्ची। इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक प्रोग्राम आर्ची होता है। यह एक सर्च इंजन है। इसकी खोज हुई थी 10 सितंबर 1990 में। इसकी खोज हुई थी 10 दिसंबर 1990 में। सितंबर अगला क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट किस प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है। तो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य है। यह एक व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क है जो ई कॉमर्स का एक प्रकार है, जो ऑनलाइन स्टोर होता है, जैसे कि अमेजन होता है, फ्लिपकार्ट है, शॉपसी है, दुनिया भर का इसमें नेटवर्किंग व्यवसाय की इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए किस संचित कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा Ctrl+Int। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिक उत्पादों एवं तारों तंत्रों पर नियंत्रित निगरानी एवं आंकड़ा का प्रकलन प्रदान करता है। इसका आंसर होगा फर्मवेयर। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अभियांत्रिक उत्पादों यंत्रों पर नियंत्रण निगरानी का आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है। फर्मवेयर है जो एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी लिखता है।
ये छूट गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए थे? तो इसका आंसर होगा तृतीय पीढ़ी के संगणक। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम तृतीय पीढ़ी के संग कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे। इसका विकास 1956 में जे एस किल्बी साहब ने किया था। इसका विकास जे एस किल्बी ने किया था। आरंभ में LSI का प्रयोग किया गया जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में IC या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? इसका आंसर होगा ब्राउजर उपयोगिता सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, जबकि एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल, डिस्क क्लीनर, डेटा संपीड़न सभी उपयोगिता का प्रकार है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो ना समझ में आया वो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।